फिल्म मेकिंग हमेशा से बहुत सीरियस बिजनेस रहा है, यू नो, फिल्म ऐसे ही नहीं बातों से नहीं बन जाती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगती है। इस फिल्म की अगर मैं रिलीज की बात करूँ, यू नो, फ्लोर पे तो आप लेके जा रहे हैं क्योंकि आज मुहूर्त हो गया है, फिल्म की रिलीज को लेके क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्बास भाई के मोहब्बत की वजह से, उनके हमारे सालों के ताल्लुकात की वजह से, और सलीम भाई जो बेहतर संजीदा इंसान है, उन्होंने जो, और राइटर ने इतनी बढ़िया स्टोरी मुझे सुनाई, जो बढ़िया स्टोरी सुनाई और कहा कि आपको इसके साथ में जुड़ना है, और इतनी बेहतरीन स्टोरी आज की नई जनरेशन के लिए एक मिसाल के तौर पर ये मूवी रह सकती है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आपने जो सवाल किया कि इसका रिलीज़ के बारे में आपका आगे क्या प्लानिंग है, तो इसके काफ़ी सारे हमारे लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं वो रिलीज़ के लिए अलग अलग तरीके से प्लान्स तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, क्योंकि जैसी शूटिंग शुरू होगी और इस पीरियड के अंदर ये दोनों तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी। इसे सेंसर बोर्ड पर मैं काम कर चुका हूँ, काफ़ी साल तक सेंसर बोर्ड पर जुड़ा हुआ हूँ, तो समाज को क्या चाहिए, इस सोसाइटी को क्या चाहिए, इस नौजवान पीढ़ी को क्या चाहिए, ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से राइटर ने और डायरेक्टर ने बहुत सही तरीके से नब्ज आज के समाज की पकड़ी हुई है। वल्गैरिटी जो आज के कॉलेज के काफ़ी जगह पे चलने की उम्मीदें रहती है, उसको ख़त्म करके प्रेम की, लव की डेप्थ क्या है, उस डेप्थ की ओर जाने की कोशिश राइटर ने, डायरेक्टर ने क्यों ऐसे व्यक्ति को चुना है अब्बास भाई के रूप में, कि जो बहुत संजीदा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। तो मैं समझता हूँ कि एक नए खान का इस मूवी के माध्यम से बॉलीवुड में एंट्री हो रही है, और ऐसे ऐसे सिंगर हैं, इतने अनुभवी सिंगर हैं, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि आपको ये सब थोड़ा सा इसने ऐसे करना है, तो देखते हैं अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने अगर मैनेजर की, क्योंकि बॉलीवुड में तो कई फिल्में आती है कई जाती है, सेंसर बोर्ड पर काम करते हुए हमने बहुत चीज़ों को देखा है, कोई छोटी सी चीज़ आसमान को छू जाती है, और करोड़ों अरबों रुपए की लागत से लगी हुई चीज़ ज़मीन की खाक को मिल जाती है। तो इस तरीके से इस सोसाइटी को सही मैसेज क्या दिया जाए, उसके लिए ये फिल्म बन रही है, ऐसा मेरा आज तक का इस बारे में ख्यालात है। ओके, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या फिल्म आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो वल्गैरिटी हो रही है, या वो यू नो एनिमल्स बन जाते हैं लड़कियों के, और इश्क में बढ़ जाती हैं, प्यार में बढ़ जाती हैं, पता नहीं चलता है, उनका मिस यूज होता है, ब्लैकमेल होता है, क्या ये उजागर करने की कोशिश है, नई जनरेशन को एक दिशा देने की कोशिश है? प्लीज अवॉइड दिस। बिल्कुल बिल्कुल, नई जनरेशन को एक दिशा, क्योंकि ईमेल के सहारे, व्हाट्सएप के सहारे मोहब्बतें हो जाती है, जैसे भाई साहब ने फरमाया अभी, वहीं पे टूट जाती है, वहीं पे बदनामी हो जाती है। तो मोहब्बत एक बहुत गहरी चीज़ है, ये मैसेज सोसाइटी को देने का काम ये मूवी करेगी, ऐसा मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है, तीस सालों से इस मूवी लाइन में जुड़े हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ को सोना करके ही निकालेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।